श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर भारत को जीत दिलाने वाले युवा खिलाड़ी दीपक चहर की शानदार बैटिंग पर चर्चाएं अभी थमी नहीं हैं। दरअसल गुरुवार को तीसरे वनडे से पहले जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आए तो यहां भी उनसे पिछली पारी पर कई सवाल पूछे गए। एक सवाल के जवाब में चहर ने कहा कि उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने की यह कला पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी से सीखी है। दरअसल मंगलवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इस खिलाड़ी ने नाबाद 69 रन बनाकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। चहर ने कहा, धोनी का मुझ पर गहरा असर है। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग के साथ ही नहीं बल्कि हमने शुरू से देखा है कि कैसे वो करीबी मैच जिताते थे। वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैच आखिर तक ले जाना तुम्हारे हाथ में है और अगर तुम ऐसा कर सको और तुम्हारे पास ओवर हो तो मैच रोमांचक हो जाता है। बता दें, MS धोनी को दुनिया के बेहतरीन मैच फिनिशर में गिना जाता है। कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी चहर ने की थी। जब चहर बैटिंग पर उतरे तब 276 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम 160 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। फिर चहर ने अपने धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाया और फिर गेंद पर नजर जमाने के बाद तेजी से रन बनाकर टीम को जीत दिला दी, जिसके बल पर भारत वनडे सीरीज अपने नाम कर चुका है। तीसरे वनडे से पहले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आए चहर ने कहा, मैं वही कर रहा था जो धोनी ने मुझे सिखाया था। मैच को आखिर ओवर तक खींचना था। IPL में CSK के लिए धोनी की कप्तानी में खेलने वाले चहर ने कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बल्ले से खुद को साबित करने की उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा, T20 वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है। मेरा लक्ष्य यही है कि जब भी मौका मिले मैं खुद को साबित करूं, चाहे बल्ले से या गेंद से। चैन मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम प्रदर्शन करना है। यार दोस्तों, इस युवा खिलाड़ी को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।